नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज बताने वाला हूं अपनी बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, उनमें मुझसे बार बार यही बोला जा रहा है कि सर हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताइए बाइसेप्स बनाने की जिससे हम लोग अपनी बाइसेप्स को जल्द से जल्द ग्रो कर सकें। तो आज की वीडियो खास तौर से आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इतनी असरदार और इतनी लाजवाब एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आप इन एक्सरसाइजेस को मात्र 15 डेज अगर आप करते हैं तो आप अपने बाइसेप्स के साइज को 1 से 2 इंच बढ़ा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बस करना क्या है वो आप ध्यान से सुन लें। आपको करना ये है कि थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर मान लीजिए आप वीडियो को स्किप करके मेन केवल आप एक्सरसाइजेज देख लेते हैं तो इससे आपका ही घाटा है, क्योंकि वीडियो के बीच में जो मैं आपको एक्सरसाइजेज बताता हूँ उसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो अगर आप मिस कर दोगे तो आपको 15 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बस इतना मुझे लिख देंगे, मुझे सर फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा देखें, इसको अच्छे से समझें, हर एक एक्सरसाइज को समझें, उसके बाद आप इसको परफॉर्म करें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, वो भी मात्र 15 डेज में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम के वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको यहाँ पर इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए 2 ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। आप पहली एक्सरसाइज किस प्रकार से होगी देखिए। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने एल्बो को स्टमक के पास एकदम ले आना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहली एक्सरसाइज करेंगे, वो है हमारी बोथ हैंड बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपको पूरा नीचे ले जाना है, ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ, ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन। बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपकी एल्बो बिल्कुल स्टमक के पास रहेंगी। ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। इसमें आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और 20 to 25 रेप्स आपको इसमें निकालनी है, क्योंकि हमारा जो वेट है वो बहुत ही हल्का है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको पास आकर के दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है। इस तरह से ऊपर लाना है, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। फिर से ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की ओर। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद अब आपको पूरा नीचे ले जाना है, ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। फिर से ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज है। ऊपर आना है, 1 सेकेंड का होल्ड देना है, उसके बाद डाउन, ठीक है। इसके भी आपको 4 से 5 सेट ले लेने हैं और इसमें जो रेपिटेशंस आपको निकालनी हैं वो हैं 20 to 25, ठीक है। नीचे ले जाएंगे, वापस से ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन डाउन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज में आपको एक हाथ में ईंट ले लेनी है और दूसरे हाथ से आपको कुछ इस तरह से बाइसेप्स को सपोर्ट देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने हाथ को रख लेना है बाइसेप्स के नीचे, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन रिलीज़। फिर से ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन रिलीज़, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ऊपर लेकर के आएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन रिलीज़, ठीक है। जब आप अपने एक हाथ से अपने बाइसेप्स को सपोर्ट देते हैं तो इससे आपके बाइसेप्स बहुत ही बढ़िया इफेक्ट पड़ता है और आपकी बाइसेप्स बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ये दोनों ही हाथों से करना है, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे हैंड से भी करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको सपोर्ट दे देना है, ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन रिलीज़, ठीक है। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड, देन रिलीज़, ठीक है। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं और इसमें आपको 25 to 30 रेप्स आपको इसमें निकालने हैं, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज में आपको 2 ईंट ले लेनी है, ठीक है, और इन्हें कुछ इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से करना है देखिएगा। इस प्रकार से पूरा नीचे ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे, 1 सेकेंड का होल्ड,
देन डाउन, फिर से ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन। इसके भी आपको 3 से 4 सेट ले लेने हैं और इसमें आपको रेप्स निकालने हैं, 25 to 30 रेप्स आपको इसमें निकालने हैं, ठीक है। ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, ठीक है। इस तरह से ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, फिर से ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपनी पांचवी एक्सरसाइज की ओर। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको कुछ इस प्रकार से बैठ जाना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल सिंपल ऐसे बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप एक दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से ईंटों को उठा करके अपने बाइसेप्स के पोर्शन को अपने घुटनों पर रख लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ऊपर लाना है, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, फिर से ऊपर लेकर के आना है, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, ठीक है। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से ऊपर लेकर के आएंगे, एक सेकंड का होल्ड देन डाउन। इसके भी आपको 3 से 4 सेट ले लेने हैं, ठीक है, और 20 to 25 रेप्स आपको इसमें निकालने हैं।